नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको, मतलब भाई वो कुरान, कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या प्रेरणा, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग हाँ। उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा, हाँ जी, कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका, मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान, तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है अहिंसा की बात है? एक होती हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है, उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी। समझना कुछ और, समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ जी, पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि किताबों की। सही है, सही है जी, सही सही कह रहे हैं। और पंडित जी, जी जी बोलिए। माफ करना, मुझे इसलिए डर नहीं है किसी से, क्योंकि बोलते ना ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।